that they compare. Where am I paranoid? I swear I'm for the I'm on the straight path. Lost me and there's payback. See your face at. तो और मेरे घर भाइयों, क्या हाल चाल है यार। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई कैसे आप लोग सोलो के अंदर जल्दी से जल्दी कॉन्करर पहुंच सकते हो। तो मैंने बहुत सारे प्लस किया है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हो। तो भाई हर एक गेम में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लस मिल रहा है। तो भाई मैं कैसे कैसे इतना ज़्यादा प्लस करता हूं, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को लाइक तो कर ही देना और एंड तक ना भाई, गेम प्ले में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला आपको। क्योंकि भाई भर भर के मैंने बंदे जितने भी मारे थे ना भाई, इस वाले गेम प्ले में ना आपको इतना ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा पूरा। तो हाँ यार, वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना। तो गाइस, सबसे पहले तो भाई टिप्स की बात कर लेते हैं कि भाई कौन सा टिप्स ऐसा यूज करता हूँ जिससे कि मेरा हर एक गेम में प्लस होता है और माइनस लगने का जीरो चांस है, आपका कभी भी जल्दी माइनस नहीं जाएगा। तो भाई देखो, हम लोग क्या करते हैं कि भाई छोटा मोटा जितना भी कंपाउंड होता है ना, वहाँ पे लूटने के ले जाते हैं सबसे पहले तो। और उसके बाद जैसे ही गाड़ी मिलता है, गाड़ी उठा के फिर जाते हैं कम से कम 2000-3000 मीटर दूर जहाँ से प्लेन पाथ स्टार्ट हुआ था, या फिर जोन के अंदर अगर हम लोग रहते ना, बीच में अगर सेंटर में बैठे रहते तो भाई सबसे पहले मरने का चांस आपका ही होता है। तो इस वजह से आप लोग हमेशा कोशिश करो कि जोन के एज पे रहो या फिर आप लोग जोन के बाहर रहो। कम से कम तीसरा जोन तक तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपको चौथा जोन के बाद ना आपको स्टार्ट करना है, जोन रोटेशन लेना है और आपको जोन के अंदर जाना है फिर। तो भाई लेट रोटेशन लेने का एक और दिक्कत है कि आपको बहुत जगह पे बंदा दिखेगा। इस पे से आप लोग हमेशा कहीं पे भी जाके गाड़ी वगैरह ठोक मत देना, थोड़ा बहुत आसपास गाड़ी को घुमा लेना। उसके बाद अगर आपको लगे कि बंदा कोई नहीं है तो फिर तो आप लोग गाड़ी वहाँ पर रोक सकते हो, वरना फिर आपको कहीं पर जाना है जहाँ पर कोई भी बंदा ना हो। तो जैसे कि देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं आया था और मुझे पता चला था कि भाई यहाँ पर कोई बंदा था नहीं, क्योंकि अगर होता तो ये बंदा निकलता जरूर। तो इस पे से मैं अपना गाड़ी रोकता हूँ और गाड़ी रोकने के बाद यहाँ पर मैं होल्ड करूँगा पूरा एकदम, क्योंकि जोन के सेंटर तो है नहीं है, बिल्कुल एज है, तो मुझे कोई भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मैं जोन देख रहा था कि जोन कहाँ पे बनेगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते कि बिल्कुल एज पे बना है जोन और एकदम मेरे पे भी जोन है अभी भी। तो इतना ज़्यादा किस्मत अच्छा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है इस गेम प्ले में। अब इस वाले स्प्रे के लिए तो एक लाइक तो कर देना, क्योंकि भाई जो ही इस बंदे को मैंने गाड़ी से उतारा ना भाई, नेक्स्ट लेवल। अब थोड़ी देर यहाँ पर बैठा था लेकिन तभी मुझे गाड़ी का साउंड आता है फिर से। और भाई इस बंदे को भी मैं गाड़ी से उतार देता हूँ, लेकिन ये बंदा थोड़ा बहुत साइड से डैमेज था क्योंकि एक हेड लगते ही ये बंदा गिर जाता गाड़ी से। तो भाई यही होता है, ज़्यादा अगर आप लेट करोगे ना फिर आपको इस तरह से गाड़ी से उतारने वाला है। तो आपको थोड़ा सा देख के जाना कि यार कहीं पर अगर बंदा है ना तो उसके आसपास आपको सीधा नहीं जाना, मतलब थोड़ा बहुत गाड़ी को जिगजा करके भगाओ तो आपको थोड़ा बहुत बचने का चांस भी मिलेगा। लेकिन आप लोग सीधा जा रहे हो तो भाई कोई भी बंदा आपको उतार जाएगा गाड़ी से। अब यहाँ पर मैं बैठ के स्पॉटिंग वगैरह कर रहा था कि तभी मुझे साउंड आता भाई पीछे से बग्गी आने का। और भाई ये बेचारा करे तो कर ही क्या, क्योंकि ये बंदा तो इतना ज़्यादा डैमेज हो ही चुका था पहले से, इसका बग्गी फोड़ रखा था किसी ने। तो भाई यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपना बैग वगैरह खोल के यहाँ पर मैं गैस कैन वगैरह गिराता हूँ कि तभी मुझे ना एक सरप्राइज मिल जाता है। बूम भाई साहब, ये बंदर मतलब क्या है भाई, ये यहाँ पर बाजू में ही लेटा हुआ था और इस बंदे ने मेरा पूरा का पूरा वाट लगा दिया। बट कोई ना गाइस, अब यहाँ पर चलता है भाई दूसरे वाले गेम प्ले के। और तो गाइस हर बार की तरह वही करता हूँ कि मैं जोन के एज पे खेलता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करता हूँ फिर से जोन के एज पे ही आता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है बहुत दूर, लेकिन इस बंदे को मैं जो ही मारने वाला हूँ ना, बस आप लोग देखते रहना। अब यहाँ पर मैं एक स्मोक कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई और बंदा मार ना दे, क्योंकि मुझे पता है कि भाई कोई ना कोई बंदा तो आजू बाजू होगा ही होगा। अब भाई इस बंदे को मैं जो ही पेला हूँ ना, इस बार स्प्रे के लिए एक लाइक तो कर ही देना गाइस। अब मैं यहाँ पर इधर उधर घूम ही रहा था कि तभी मेरे साथ भाई हार्ट अटैक वाला सीन होता है। भाई ऐसे बंदे ना इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि भाई पीछे से जो हमला करते हैं ना, मतलब क्या ही बोले भाई। इस बंदे को तो मैं थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे फटाफट से एक नेट करना चाहिए इस पर। नेट तो करता हूँ लेकिन ये बंदा बिल्कुल भी डैमेज वगैरह नहीं पड़ता है। दो नेट किया लेकिन भाई उस नेट से भी कुछ फर्क पड़ा नहीं।
फाइनली इस बंदे को मैं पेल देता हूँ। ये बंदा जैसे ही आता जोन के अंदर आने के लिए भाई इस तरह से घूम के आ रहा था, बट उसको मैं देख लेता हूँ और उस टाइम पे पेल देता हूँ। तो भाई ऐसे ऐसे जगह पे भी बंदे होते हैं यार, मैं खुद इतना ज्यादा जोन के एज पे रुका हूँ फिर भी बंदे भाई पीछे से मार रहे यार। तो भाई यहाँ पर मैं दोबारा से फिर से जोन के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मुझे जोन मिलता है, एक मस्त एकदम जोन मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत था कि भाई और भी बंदा था जो कि मेरा जस्ट पीछे ही था। इस बग्गी के ऊपर भी स्प्रे लेता हूँ लेकिन तभी मुझे एक पुलिस टाइप का साउंड आता है पीछे से। सबसे पहले पर मैं रुकता हूँ लेकिन ये बंदे का थोड़ा सा पीछे से साउंड आ रहा था। फाइनली इस बंदे को भी मैं मार देता हूँ लेकिन यहाँ पर एक बग्गी वाला था, जो बग्गी वाला आगे जाकर रुक जाता है तो उस बंदे को तो मैं देख लेता हूँ कि इसका साउंड भी आ चुका था गाड़ी रुकने का। भाई रैंडम इस पर मार के यार मजा आ गया पूरा। अब यहाँ पर देखो तो सिर्फ और सिर्फ तीन बंदे अलाइव है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे जहाँ तक पता है कि भाई एक लेफ्ट में बंदा है लेकिन एक बंदा कहीं पे राइट पे है, जो कि भाई वो बंदा मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर मैं एक स्मोक कर देता हूँ ताकि मैं गाड़ी के ऊपर बैठ के ना बंदे को स्पॉट कर पाऊँ, बट यहाँ पर क्या होता कि भाई वो बंदे का भी नेट आ रहा था मेरे पे। अब इस बंदे ने यूएमपी से उस बंदे को मार दिया लेकिन भाई उस बंदे को भी मैंने देख लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये बंदा जाके आगे रुक जाता है और आगे वाले जस्ट कवर में ही वो बंदा रुका हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक मॉली करूंगा इसके ऊपर। अब ये वाला मॉली से ना वो बंदा थोड़ा बहुत जल जाता है। और भाई एक इजी सा चिकन डिनर हो चुका है और भाई कितना ही प्लस मिलने वाला है बस आप लोग देखते रहना। उससे पहले यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी वीडियोस देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।